हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आफ्टर वन वीक ये वीडियो सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट हो रही है इस चैनल पे एंड uh, इस सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज किया गया है सो so, पहले इस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस थे वो मंडे टू सैटरडे हम डेली टेन एम सी क्वेश्चन डिस्कस करते थे एंड टोटल uh, जो सिक्सटी क्वेश्चन होते थे वीकली उनको हम संडे को रिवाइज करते थे अब इस सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज किया गया है जिसमें अब हम मंडे टू फ्राइडे डेली के टेन एम सी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड सैटरडे को उन फिफ्टी क्वेश्चन की हम रिविज़न करेंगे एंड संडे को इस सीरीज़ में और कोई वीडियो नहीं आएगी एक्सेप्ट जो मंथ एंड पे हम रिविज़न करते हैं वो संडे uh, को वीडियो आएगी कंप्लीट जो हम पूरे मंथ में टू हंड्रेड एम सी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा इसी चैनल पे एक और वीडियो सीरीज़ आएगी जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज में भी पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपके साथ एम सी क्यू क्वेश्चन डिस्कस करूँगा एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो टॉपिक वाइज रहेंगे एंड उस सीरीज़ की पूरी डिटेल्स जो है वो आज आपको दो बजे वाली वीडियो में मिल जाएगी उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि उस सीरीज़ में कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाएंगे तो उस वीडियो के लिए आप दो बजे का वेट कीजिए तब वो दो वीडियो आ जाएगी एंड जो ये सीरीज़ है इसमें हम डिफरेंट जो भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं उसी में से क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं तो इसमें आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के मीन्स मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे सो so, इस सीरीज़ का आज है डे फिफ्टी फाइव तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दस इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन के साथ तो पहला क्वेश्चन है मसल रिलैक्सेशन इज कम्प्लीटेड इन विच फेज़ ऑफ जनरल एनेस्थीसिया तो मसल रिलैक्सेशन जनरल एनेस्थीसिया के किस फेज़ में कम्प्लीट होती है तो डिफरेंट फेजेस होते हैं जनरल एनेस्थीसिया के तो जिसमें आता है फेज़ वन तो फेज़ वन में फेज़ वन को सीडेशन फेज कहा जाता है फेज़ वन इज़ सीडेशन फेज एंड इसमें आपका मोशन एंड ब्रीथिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है देन आता है आपका स्टेज टू एंड स्टेज टू होता है आपका एनेस्थीसिया जिसमें एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम कंडीशन राइज होती है एंड इसमें आपका पार्शियल लॉस हो जाता है इक्विलिब्रियम का लेकिन जब हम पर्टिकुलर एरिया पे टच करते हैं तो वो फीलिंग आती है टच जो है वो फील होता है देन आता है हमारा स्टेज थ्री दैट इज़ फेज़ थ्री तो फेज थ्री होता है सर्जिकल एनर्सी का फेज़ इसमें टोटल लॉस हो जाता है इक्विलिब्रियम का एंड जो टच सेंसेशन है वो भी लॉस हो जाती है एंड इसी स्टेज में इसी फेज़ में जो है वो मसल रिलैक्सेशन जो है वो कंप्लीट होती है देन आता है फेज़ फोर फेज़ फोर होता है डेथ फेज़ डेथ फेज़ बेसिकली इसको मेडुलरी डिप्रेशन फेज भी कहा जाता है एंड इसमें आपकी जो ब्रीथिंग है या हार्ट बीट है वो रुक जाती है एंड ओवरडोज की वजह से डेथ भी हो सकती है सो so, इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें पूछा गया था कि जर्नल एनेस्थीसिया के फेज़ में मसल रिलैक्सेशन किस फेज में कंप्लीट होती है तो वो होती है फेज थ्री में तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट uh, आंसर right है विच क्वेश्चन है एक्टिविटी तो इनमें से किस ड्रग की हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं होती है तो so, बेसिकली uh, दो टाइप के मेजर ड्रग्स होते हैं इस कैटेगरी में सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स तो so, सीडेटिव ड्रग्स वो होते हैं ड्रग्स uh, वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे सी एन एस को काम करते हैं माइंड को काम करते हैं एंड हमें आ, सोने की इच्छा को मीन्स स्लीपिंग जो होती है स्लीप को इंड्यूस करवाना मीन्स पर्टिकुलर नेचुरल स्लीप की तरह नहीं बट हमें इच्छा होती है कि हमें सोना चाहिए विदाउट इंड्यूसिंग नॉर्मल स्लीप जबकि जो हिप्नोटिक होते हैं तो हिप्नोटिक वो ड्रग्स होते हैं जो हमें स्लीप प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि हम नेचुरल स्लीप लेते हैं उसी तरह से हमें स्लीप जो है वो प्रोड्यूस होती है हिप्नोटिक ड्रग्स से तो इन ड्रग्स में से जो बार्बीचुर एसिड है वो एक हिप्नोटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता है सीडेटिव ड्रग है सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्कोलोइ बिलोंग्स टू फिनेथ्रीन ग्रुप Anyway, कौन सा अल्कोलोइड फिनेंथ्रीन ग्रुप को बिलोंग करता है तो इसमें डिफरेंट अल्कोलॉयड्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि पापाब्रेन हो गया तो जो पापाब्रेन है पापाब्रेन एक बेंजाइल आइसोक्यूनोलिन बेंजाइल आइसोकिनोलिन �その ड्रग है देन नेक्स्ट है नोस्कैपिन तो नोस्कैपिन भी एक बेंजाइल आइसोकिनोलिन ड्रग है देन थिवेन जो है थिवेन एक फिनेंथ्रीन ग्रुप का अल्कोलॉयड है एंड जो नारसिन है नारसिन हमारा एक स्टिल वेनोइड ड्रग है इट इज अ स्टिल वेनोइड कैटेगरी का ड्रग सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है दैट इज थिवेन इज अ फिनेंथरीन ग्रुप ऑफ अल्कलॉइड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्शन ऑफ मॉर्फिन तो मॉर्फिन का इसमें से करेक्ट एक्शन हमें चूज करना है तो so, मॉर्फिन जो है वो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को डिक्रीज करता है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है दे नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर गिव्स विच टेस्ट पॉजिटिव तो शुगर किस टेस्ट को पॉजिटिव देता है तो पेंटोस शुगर जो है वो वायल्स टेस्ट जो है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं शुगर को ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है वायल्स टेस्ट को वायल्स औरल टेस्ट भी कहा जाता है वायल्स ओरसिन टेस्ट एंड इसमें क्या किया जाता है इस टेस्ट में वायल्स रिएजेंट लिया जाता है एंड जो भी हमारा टेस्ट सोल्यूशन है उनको उसमें ऐड करके उस सोल्यूशन को वॉयल किया जाता है एंड वॉयल करने पे हमें ग्रीन या फिर पर्पल कलर जो है वो अपीयर होता है एंड ये बाइल्स टेस्ट है पेंटो शुगर के लिए तो पेंटो शुगर के एग्जांपल्स देखते हैं तो पेंटो शुगर में एक आ जाता है आपका राइबोस एंड अनदर इज दिस इजूलोस तो ये कुछ पेंटो शुगर हैं तो राइबोस एंड जाइलोलोस ये वाइल्ड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देंगे देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपेथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग अल्फा मिथाइल डोपा एक्स बाय तो अल्फा मिथाइल डोपा जो कि एक सिंपेथेटिक ब्लॉगिंग ड्रग है ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो ये एडेनर्जिक ट्रांसमीटर की सिंथेसिस को इंटरफेयर करके अपना काम करता है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल रिलेक्शन ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग ऑन मसल तो एक ऐसा स्केलेटल मसल रिलेक्सेंट ड्रग जो कि डायरेक्टली मसल पे काम करता है या डायरेक्टली स्मूथ मसल पे काम करता है तो वो ड्रग है डेंट्रोलीन ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंड इस कैटेगरी में अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तो डेंट्रोलिन जो है वो एक ऐसा ड्रग मिलेगा जो इस कैटेगरी में फॉल करता है इसके अलावा सक्सिनल कॉलिन पे काफी बार क्वेश्चन आता है तो सेक्सनल कॉलिन जो है वो एक डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है इट इज अ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जो कि पेरिफेरली एक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथिसिलिन इज मेनली एम्प्लॉयड अगेंस्ट तो मेथिसिलिन किस कंडीशन में यूज किया जाता है तो जो भी हमारी स्टेफाइलो कोकाई टू पेनिसिलिन स्टेफाइलोकोकाई कोकाई बैक्टीरिया जो है अगर वो पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है तो उस केस में मेथिसिलिन का यूज किया जाता है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है स्टेफाइलो कोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग तो फ्लश फ्लेयर एंड व्हील किसके इंजेक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं तो ये तीनों कंडीशन जो है जब भी इंजेक्शन दिया जाता है हिस्टामाइन का तो एक ट्रिपल रिस्पांस प्रोड्यूस होता है एंड ये ट्रिपल रिस्पांस के तीन स्टेजेस होते हैं फ्लश फ्लेयर एंड व्हील तो फ्लश जो है वो होता है लोकलाइज्ड रेड स्पॉट इट इज़ अ लोकलाइज्ड रेड स्पॉट देन आता है फ्लेयर फ्लेयर होता है ब्राइट रेड फ्लश एंड देन आता है व्हील व्हील को कहते हैं एडेमा सो ये एसोसिएटेड है हिस्टमाइन के इंजेक्शन के साथ तो ऑप्शन डी हिस्टेमाइन इज द करेक्ट आंसर देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लिक्विफाइड फिनॉल हैज डैश परसेंटेज ऑफ फिनोल वाई वेट इन वाटर तो लिक्विफाइड फिनोल में कितना परसेंट फिनॉल होता है बाय वेट इन वाटर तो ये होता है एट्टी परसेंट फिनॉल बाय वेट इन वाटर लिक्विफाइड फिनोल में प्रेजेंट होता है सो so, इस वीडियो के दस क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस आ, सीरीज के साथ साथ में अल्टरनेटिवली जो है वो एक और सीरीज आएगी जिसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको आज दो बजे वाली वीडियो में मिल जाएगी तो उस वीडियो को आप देखें काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे किस किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस हैं वो रहेंगी उस पूरी सीरीज़ में एंड उसके अलावा नेक्स्ट वीक में एक और सीरीज़ मीन छोटी सी सीरीज़ है नाइपर एग्ज़ाम के लिए तो अभी नेक्स्ट मंथ जो है वो नाइपर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन क्वेश्चन जो हैं वो उस सीरीज़ में मैं डिस्कस करूँगा सो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच